कल से तुम हेलो 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 शुरू करें। जोड़ हुआ था ना सर, हम बोले थे 1 + 1 इज इक्वल टू 10। कंप्यूटर चलाने आता है तुमको? 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 11। 11 का 1 अथवा की 1। सर देखिए, एक तरीका तो ये है 0 + 0 जीरो, 1 + 1 जीरो, हाथ बाकी 1, 0 + 0 जीरो, 1, 1 + 1 10। एक तरीका ये है कि आप ऐसे कर लीजिए इसको, 1 × 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 1 × 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये ऐसे भी 8 × 2, ये भी 8 × 2, तो 10 × 10 20। अब 20 को हम लिख सकते हैं कैसे, 1 × 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 4 = 20। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, देखे तो इतना वैल्यू है, बोलिए। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, तो कहते हैं 1010 का डेसिमल वैल्यू। तो डेसिमल वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखिए तो ऐसे होगा, 1 × 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 1010 का डेसिमल वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 2 आंसर। अरे 1010 का डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, 1 × 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10। 1010 का डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सबको पता है कैसे निकालेंगे, 1 × 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 4 = 20। बोलिए, एडिशन रूल, एडिशन रूल क्या है सर? एडिशन रूल, एडिशन रूल बोले तो 1 + 1 इज इक्वल टू कितना, 0। 1 + 1 इज इक्वल टू 0, 1 + 1 इज इक्वल टू 0 होता है विथ कैरी कितना, 1, मतलब हाथ बाकी 1। और गेट के केस में ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, खाली आप अभी इतना समझिए कि एक का मतलब होता है, एक मीन्स ऑन, जीरो मीन्स ऑफ। अब घटाना है तो चला, घटाओ के केस में क्या होगा, 0 में से 0 गया, अब 1 में से 0 गया, 1, 0 में से 1 गया 0, लेकिन 1 तो पहचान लिए, पहचान का मतलब होता उधार, पहचान का मतलब उधार, 1 अब 1 - 1 = 0। लेकिन आप अभी नहीं समझे होंगे, जब उधार लेंगे तो पता चलेगा। कैसे घटाओ सीखने में दर्द हुआ था, बचपन में सबसे दर्द कब हुआ था, जब घटाओ में पैंचा लेना पड़ता था, 5 में से 2 गया 3 बड़ा आसानी से समझ में आता था, लेकिन 2 में से 3 घटाना था, 1 × 10 = 12 याद है, उसमें तो सर सदियों बीत गए थे। इस यहां भी हम आपको सिखा देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट और एक होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, गौर फरमाइएगा। जैसे 1 0 1 0 1 है, इसका हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, कुछ नहीं करना है, 1 का 0 0 का 1, 1 का 0 0 का 1 वंस कॉम्प्लीमेंट, उल्टा लिख देना, बोलिए। और अगर टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इसमें 1 जोड़ देना है, अरे 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 गेट लॉस्ट, 3 धक्के मार के बाहर निकल जो, जब मंदम सूद के उठ के चल देता है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 जोड़ देंगे, 1, 1 + 0 1,
जीरो एक जीरो। नहीं समझ में आया, पहला क्लास है क्या? पिछला क्लास किए थे तो कहे नहीं बुझा रहा है। भोर में उठ के नहाइए, और फिर क्लास से आने से पहले नहाइए। एक ग्लास पानी लाओ छोटो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वन का जीरो, जीरो का वन, इसमें कोई डाउट है? अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के तब उसमें एक जोड़ देंगे। देखना, में एक जोड़ेंगे तो एक प्लस जीरो, ये तो वैसे ही रह जाएगा। पता नहीं बुझाइए नहीं रहा। तो बताओ, 1 0 1 0 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सही है, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जीरो को एक तथा एक को जीरो लिखते हैं। जैसे 1 0 0 1 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये लिख देंगे, वन का जीरो है, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का क्या जीरो। और टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट करने में रिजल्ट में क्या जोड़ दिया था? एक। 1 0 0 1 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, अब फिर उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया? वंस कॉम्प्लीमेंट। इसमें एक और जोड़ देंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अरे अरे अरे, ये हो गया, चला टूथ कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? ये एकदम टाइम से आएगा, हम कितनों लेट आए। अच्छा, हम मास्टर ना है, मारेंगे कि हम आएंगे टाइम पे? हमारा जब मन होगा तब आएंगे। तुम लोगों को 4:30 बजे हर हाल में आ जाना है। 12 बजे कहे आता है, फाउंडेशन करने ना आता है। 4:30 बजे हर हाल में आप लोगों को पहुंच जाना है। मेरा जब इच्छा कर जाएगा तो हम आ जाएंगे, मास्टर ने हमरे। आओ भी इतना बढ़िया मास्टर, आओ भी ट्रेड के ब्रांडेड टीचर। पटना में अगर ट्रेड में एक आदमी का नाम लिया जाए, उसके क्लास में गुस्ताखी। आओ तुम, कल से टांग तोड़ेंगे। देखो, मतलब तुम लोग को डाउट है कि हम बढ़िया टीचर नहीं है? डाउट वो मत करना, ठीक ना? पीसीडी, लोग हमारे सामने आते हैं ना ड्राइवर टेक्नीशियन का पढ़ने के लिए, तो अगर दिल के धड़कन तेज हो जाता है। अभी 2-3 गो लड़का नीचे आया, वो कहता सर सर, मतलब क्या हुआ रे सर सर, मतलब तू समझ रहा है? यूपी से आया 3 गो बच्चा, अगर दिल के धड़कन रुकी नहीं रहा था कि सामने से किसको देख लिया। आ तुम, मजाक लग रहा है? तुम लोग के लिए तो घर का मुर्गा दाल भाग चट्टा। देखिए सर, बाइनरी बीसीडी कोड इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या कहते हैं इसको? बीसीडी कोड में 4 बिट बाइनरी कोड होता है। इसका रेंज 0 से लेकर कितना तक वैलिड है? 9। अभी क्या होता है गौर फरमाइएगा। जैसे इतना बीसीडी कोड में प्रत्येक डेसिमल डिजिट का 4 बिट बाइनरी कोड होता है। देखो कैसे, जैसे मान लो 16 है, इसको हमको बाइनरी कोडेड डेसिमल में लिखना है, तो हर एक डिजिट के लिए 4 बिट बाइनरी लिखना होगा। इसमें कौन कौन है? 1 और 6 ना, 1 2 2, 2 2 4, 4 2 8। तुझे तेरी, 1 2 2, 2 2 4, 4 2 8। बताओ, एक के लिए 4 बिट बाइनरी क्या होगा? गलत है, एक के लिए 4 बिट बाइनरी लिख दिए, बोल वे नहीं करेगा। अब 6 के लिए 4 बिट बाइनरी लिखना है।
जीरो वन वन जीरो। हाँ बाप रे बाप, हम इन सिखाए हैं रे, अब हमारे गुरुगिरी नहीं करो। अब ठीक है, गलती हो गया, सॉरी। अगर हमको छ लिखना, चार दो तो जीरो वन वन जीरो। क्या हो गया आज हमको? अरे ये भावना छोटा, वहां चेंज कर दिया तो नहीं हुआ? भावनाओं को समझिए। तो वैल्यू हो गया जीरो 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 वन जीरो वन वन जीरो, सही है ना? कहते हैं चला एक का चार बिट बाइनरी लिख दिया, छ का चार बिट बाइनरी लिख दिया, तो हो गया ये आंसर, बोलो। अच्छा चला, अगर ऐसा लिखल रहेगा एक डेसिमल में, इसका हमको बीसीडी निकालना, तो चार बिट में बाइनरी लिख दीजिए, एक दुना दो दुना चार, चार दुनिया आठ, जीरो 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 वन। अब बाइनरी भी लिखते तो इसने लिखते, अब बीसीडी भी लिख रहे हैं तो इसने लिखेंगे। नौ का लिखिए, आठ एक नौ, सही है। लेकिन अगर चला दस का लिखोगे ना, तो दस का बाइनरी और बीसीडी अलग अलग हो जाए। नौ तक में बाइनरी बीसीडी सेम है, लेकिन जैसे दस में जाओगे ना, दस टू द बेस टेन कोड टू द बीसीडी में लिखना है, तो सर दस का बाइनरी एक दूना दो दून चार, चार दूनी आठ, आठ दो दस वन वन जीरो जीरो। ये क्या हो गया? हाँ ये हो गया बाइनरी, वन जीरो वन जीरो, ये हो गया बाइनरी। लेकिन अगर बीसीडी लिखना है तो एक का अलग चार डिजिट लिखना होगा, चार का अलग, जीरो का अलग चार डिजिट लिखना होगा। एक का चार डिजिट लिखिएगा तो जीरो 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 वन, जीरो 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 वन, चार को जीरो। तो देखो तो दोनों बीसीडी और बाइनरी नौ के बाद अलग अलग है कि सेम है? लेकिन नौ तक बीसीडी बाइनरी सेम होगा। कैसे? जैसे आठ का तुम लिखो, आठ टू द बेस टेन है, इसको तुम बीसीडी में कन्वर्ट करो, तो एक दुना दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, एक जीरो जीरो जीरो, एक जीरो जीरो जीरो। अब बीसीडीओ एक अकेले दो अंक रहता तब ना दोनों का अलग अलग लिखते, एक अंक है तो बीसीडीओ सेम हो जाएगा। एक से नौ तक बाइनरी और बीसीडी सेम, लेकिन नौ के बाद जैसे डबल डिजिट में जाएगा बाइनरी और बीसीडी अलग अलग। देखो कहता है बीसीडी में एक से नौ तक बाइनरी नंबर के समान ही होता है, नौ से ज्यादा होने पर, चला मेरा किताब है, एक एक लाइन मेरा लिखा हुआ है, जो पढ़ाएंगे वही लाइन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब केकरो नोट्स पढ़ा रहे हैं, एकदम एक एक लाइन को कम से कम हमको लगता है 150 बार पढ़ाए हैं पिछला 8 साल में, सब लाइनें याद है हमारा कि कहां पर आगे क्या होना है। लेकिन चला उसके लिए आप जब टेक्निकल ऐसी चीज है ना चला, कि एक बार आप पढ़ लिए और एक बार रिवाइज कर लिए, फिर 3 साल बाद रिवाइज कीजिएगा, तो कोई ये हम अभी 3 साल बाद पढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस में जरा सा भी कमी है? तुरंत लग रहा है हम पढ़ के आए हैं, एको किताबें नहीं है नीचे इलेक्ट्रिशियन, सब बिक गया है। और ऐसे भी चला हमको इतना फुर्सत नहीं है कि अगर हम जो करके बाइनरी बीसीडी करके आएंगे नीचे से ऊपर में का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अगर तत्काल तुरंत पढ़ के हम आ जाए, तुरंत पढ़ाने लगे, तो चला सब गुड़ गोवर हो जाएगा। अब तो रही कॉन्फिडेंस दिखेगा, देखो ऐसे हो मरद जैसा खड़े हैं, काहे पूरा कॉन्फिडेंस है, जो बोल रहे हैं सत्य वचन होगा। कहते हैं चला कि बीसीडी में एक से नौ तक समान होगा, बोलो रे, नौ के बाद से ज्यादा होने पर बाइनरी और बीसीडी समान नहीं होगा। जैसे 16 का बाइनरी एक दुना दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी 16, वन जीरो 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 जीरो। देखो है एक पर चार को जीरो, 16 का बाइनरी है, बोलो। लेकिन बीसीडी निकालोगे तो एक का अलग चार डिजिट, छ का अलग चार डिजिट, नौ का बाइनरी निकालोगे
आठ एक नौ एक जीरो जीरो एक। अब बीसीडी भी वही होगा लेकिन नौ के बाद जैसे कब चलोगे बाइनरी बीसीडी क्या हो जाएगा अलग। देखो हो जान हमर परनिया हमर जीरो से लेके नौ तक ये तो ऑक्टल है ना, हमको खाली बाइनरी और बीसीडी समझना है। ऑक्टल तो हम निकालिए लेंगे, बाइनरी और बीसीडी ई बाइनरी लिख दिया और लिख दिया जीरो से नौ तक बाइनरी और बीसीडी एक ही समान होता है। लिख दिया नहीं है, लिख दिए हैं, ये लिखेगा हम ही लिखे हैं, लिख दिए हैं। अब अगर 10 के बाद आओगे तो 10 को ए कहते हैं हेक्साडेसिमल में, याद है? क्लास छोड़ा होगा, नया एडमिशन होगा, अगले चैप्टर से बुझाएगा, दो क्लास और छोड़ दो। फिर यहां चला 12, बोलन रे ये छोड़ दो, ये बाइनरी में इतना हो जाएगा 10, 8 दो 10 बोलन रे। लेकिन बीसीडी में तो एक का अलग जीरो का अलग ना, उसी तरह ही आगे बढ़ते चला जाए। अब चला देखो, द्विआधारी संख्या पद्धति में केवल दो अंक का उपयोग किया जाता है, कौन कौन? जीरो अरे का उपयोग करके सभी अंक बनाए जा सकते हैं। द्विआधारी संख्या पद्धति में केवल दो स्थिति होती है, एक ऑन और दूसरा ऑफ। द्विआधारी का सिग्नल ग्राफ होता है, देखो ई हो गया चला ऑफ, आई हो गया ऑन, ऑफ बोलो ने। आप चला बताओ कौन क्वेश्चन घेरल है, नंबर बताओ। हेक्साडेसिमल संख्या का बीसीडी का बाइनरी तुल्यांक, बीसीडी का बाइनरी तुल्यांक क्या होगा? यही ना है, हेक्साडेसिमल संख्या बोले तो 16 ठीक है, क्वेश्चन कुछ और है। हेक्साडेसिमल बीसी का बाइनरी तुल्यांक बी हो गया कितना? 11, ए 10, बी 11, बीसी का बाइनरी तुल्यांक कह रहा है। बोलन चला कैसे बनाएंगे? एकर चार बिट लिखेंगे, एकर चार बिट लिखेंगे, लिख देंगे हम बोले तो ऑक्टल टू बाइनरी में तीन तीन बिट का, बोलन रे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में चार चार बिट का। यह चला 11, आई है 12, तो चला एक दुना दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ चार 12, 11 का कितना हो जाएगा? वन जीरो वन वन। अब 12 का बस लिख दीजिए सर, 11 का 1011 और फिर लिखिए 1100। हो गया आंसर, देखिए कौन सा आंसर है, टी फॉर कैट। लिखते भी जाओ नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, मेहनत करेगी तब पति के प्रकोप से छुट्टी मिलेगा, नहीं डेली चार को गाली ना, तब अभी नया नया शादी हुआ होगा, जैसे शादी का कुछ दिन हुआ इसलिए नौकरी करना जरूरी है, एकदम ससुराल के बगल में मिलेगा नौकरी, टहलते बुलते जाना है, जब मन किया लाइन ऑफ कर दिया, जब मन किया लाइन जला दिया, और कोनो काम का है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर के वही काम। करे बहुत ही अच्छा जॉब है, चला एकदम बिहार में जॉब, शनिवार रविवार घर है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है, हर शनिवार रविवार अपना चल देना घर की ओर। 55-60 नंबर, 60-65 नंबर आ जाएगा, सबका हो जाएगा। अगला बता। हाँ अरे चला अच्छा, वो छोड़ना चला, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ के जाना, तू पास हो जाएगा, तेरा नौकरी हो जाए, उतने से ना मतलब है। अच्छा एक जब हम पढ़ा रहे हैं 350 पेजी रामायण नहीं लिखल है किताब में, कोनो बातें है जो तोरा पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ के जाओ ना, एकरा से बेसी तोरा पिछवाड़े में कुबत है तो पढ़ो, हम इतना पढ़ाने के 3500 टका लेंगे एक लाइन के बाद।
बाद में तुरा मन करता है ना आए सर ये पूछ दिया अपने से पढ़ो, हम इतना पढ़ाते हैं एक रात नौकरी हो जाता है, बात खत्म हो गया, हमरा से बढ़िया कोई पढ़ा रहा है, वहां जाना है, हमरा पे चला विश्वास है तब ना तू यहां आया है, तो बाकी हमरा भरोसे छोड़ दो ना, रिजल्ट हो जाएगा, कंडीशन सप्लाई। ओकरा में जो अगला क्वेश्चन बताओ, बोलो, अरे घेरवाए होंगे हम, 13 में हाई का मतलब एक नहीं होगा रे, 13 के बाद बताओ, ये तो है नहीं है जोड़, ठीक है, नया किताब जो चला रहा है ना उसमें 10 से 15% का इजाफा है, 10% का इजाफा है, कोई अब वॉल्यूम 2 भी अब आ रहा है जिसमें हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी होगा, वॉल्यूम 1 है थ्योरी एंड क्वेश्चन, अब वॉल्यूम 2 है क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नया वाला किताब नेक्स्ट वीक में आएगा छप के, अरे क्वेश्चन नंबर ये चला जोड़ चेक नहीं कर लेगा रे, ए नंबर है 0 1 0 1 1 1 1 1 प्लस करना है, बताइए कितना हो जाएगा, 1 1 0 हाथ में बाकी 1 1 फिर 1 तो 0 हाथ में बाकी 1 1 0 1 फिर बचलो 1 1 1 0 सही है, ये गलत ना है रे, 3 नंबर देखो 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 ये सही है, तो सही है, बाद में गलत होगा चेक कर लो, कितना बाइनरी कोडेड डेसिमल संख्या बीसीडी में प्रत्येक डेसिमल डिजिट को प्रदर्शित करता है, प्रत्येक डेसिमल डिजिट जो होता है बीसीडी में 4 बीट का ना होता है, हो 4 बीट बोले तो 1 निब्बल ना हो, 4 बीट बोले तो 1 निब्बल, आंसर बताइए, बी फोर बॉल, बोलिए अगला 19 डेसिमल 10 का बीसीडी नहीं होगा, 10 का बीसीडी निकालना है, 1 का अलग लिखेंगे, 1 2 2 2 4 4 2 8 1 का लिखिएगा 0 0 0 1 आ फिर किसका है 0 का 0 0 0 0 हो जाएगा, आंसर बता दीजिए, अगला बताइए 35 का 25 21 बाइनरी संख्या ई रे दचट्टा, अपने से बनाना है क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन का किताब भी आ रहा है, जगह में दिक्कत होगा सॉल्यूशन देख लेगा, ठीक ना, क्वेश्चन हम इसलिए इसका बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तू फंस जाएगा, बाकी थ्योरिटिकल होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, 0 0 1 0 बोलो कितना, क्वेश्चन घेर के नहीं रखी है रे, 25 24 ना, ये बना है कि नहीं, हेक्साडेसिमल चला, 0 का डेसिमल निकालना है, कैसे निकाल लिएगा, ए यानी 10 गुना 16 के पावर 1 प्लस
जीरो गुना 16 के पावर 2 तो 16 देने 160 नहीं बताए हैं रे बाग चोटमला। अगला बोलो पच्चीस टूज कॉम्प्लीमेंट हमने बताएंगे तुम बनाओ। अरे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो 1001 एक राम प्लस एक जोड़ दो 1101 ये सही है। पीसीटी संख्या इतना का डेसिमल तुल्यांक नहीं बनेगा। एकर चार बिट लिखो एकर चार बिट एक दुना दो दो दुनी चार चार दुनी आठ नौ एक दुना दो दो दुनी चार चार दुनी आठ तीन बीसीडी इतना का डिस है रे चोटमल इसका चार बिट इसका चार बिट इसका चार बिट लिखो आंसर 0001 हो गया दो ये हो गया पांच चार एक पांच हो गया आंसर। थर्टी थ्री ये बता दिए थे रे बाग चोट्टा। ये पीसीडी संख्याओं को प्राप्त करने के लिए डेसिमल संख्या को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल संख्या को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में प्रत्येक डेसिमल डिजिट को चार बिट बाइनरी में लिखा जाता है बाग चौड़मल। और है 40 बाइनरी मारेंगे और है इन्हें बनेगा हेक्साडेसिमल C3 का बाइनरी निकालना है चला तो C यानी A B C 11 12 इंटू 10 16 टू द पावर 1 प्लस 3 अगुना 16 के पावर 2 आंसर होगा। तीन नंबर नहीं बनाए हैं तीन नंबर नहीं बताए हैं इसका आंसर होगा। मेरा मियाद नहीं गरम करेगा चुट्टा चोर बोलो क्या नंबर 30 नंबर नहीं बताए हैं चुट्टा 20 बोल रहा है कि 30 बोल रहा है ये बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा सब 111 रहेगा 2^(n-1) करेंगे और बोलो। थैंक यू वेरी मच। अगला दिन से नया चैप्टर स्टार्ट होगा।